हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में ओमनिक्स ओ टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। ओमनिक्स ओ टैबलेट का मुख्यतः उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए यूज किया जाता है। आइए उस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिए। सिप्ला लिमिटेड कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 160 रुपए में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। यह टैबलेट खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली टैबलेट है। बात करते इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। ओमनिक्स ओ टैबलेट में सिपिक्सिम आईपी 200 mg और फ्लॉक्सासिन आईपी 200 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद सिफिक्सिम यह ड्रग एंटीबायोटिक के क्लास में आता है। ये बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया को सुरक्षा कवच बनाने से रोकने का काम करता है। इसमें मौजूद ऑफ्लॉक्सासिन यह ड्रग एंटीबायोटिक के क्लास में आता है। यह बैक्टीरिया को प्रजनन और खुद की मरम्मत करने से रोकने का काम करता है। साथ ही ये दोनों ड्रग बैक्टीरिया द्वारा हुए इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करते है। बात करते इस टैबलेट के यूजर्स के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते है। उस टैबलेट का उपयोग कान में इन्फेक्शन होने की समस्या, साइनस की समस्या, गले में इन्फेक्शन होने की समस्या, गले में दर्द होने की समस्या, टॉन्सिल ब्रोंकाइटिस की समस्या, निमोनिया की समस्या, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या, किडनी से जुड़े कोई इन्फेक्शन की समस्या, टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या, बहरापन आने की समस्या, आँखों का इन्फेक्शन होने की समस्या, आँख में सूजन होने की समस्या, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पर करते हैं। इस टैबलेट का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोस उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको दस्त, एसिडिटी, पेट दर्द, मितली, उल्टी, बुखार ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते। प्रिकॉशन, उस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज़ न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य टैबलेट, मेडिसिन, सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लिवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। उस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, जिससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।